जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण दसवां अध्याय द्वादश सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। भगवान सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधु मास चक्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला, अप्सरा, पुलस्त्य, ऋषि, वासुकी सर्प, रथ भ्रत यक्ष, हेती राक्षस और तुम्बरु गंधर्व, ये 7 मासाधिकारी रहते हैं। तथा अर्यमा आदि नामक आदित्य, पुलह ऋषि, राथौजा यक्ष, पुंजिक स्थला अप्सरा, प्राहिति राक्षस, कच्छ वीर सर्प और नारद नामक गंधर्व, ये वैशाख मास में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय जी, अब ज्येष्ठ मास में निवास करने वालों के नाम सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पारुषय राक्षस, नीम का अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथ स्वन नामक यक्ष, ये उस रथ में वास करते हैं। तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजम्या अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथ चित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्त्रोत यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं। तथा भद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुबलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। अश्विन मास में पूषा नामक आदित्य, वसु रुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुषैण गंधर्व और घटाची नाम की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वावसु नामक गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, प्रजनय आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सैनजीत यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, काश्यप ऋषि, तारकश्य यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस हैं। हे विप्रवर, पौष मास में क्रतु ऋषि, भग आदित्य, पूर्णायु गंधर्व, स्फुर्ज राक्षस, कर्कोटक सर्प, अरिष्ट नेमी यक्ष तथा पूर्व चिटी अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य मंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय जी, त्वष्टा नामक आदित्य, जम्द अग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्मा अप्सरा, वह्नोपेत राक्षस, रतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व, ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फागुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं, उनके नाम सुनो। हे महामुनि, वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्य व्रचा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं। हे ब्रह्मन, इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं। तथा नित्य सेवक बाल खिल्ले आदि इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनि सतम, सूर्य मंडल के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।